आज की कई अखबारों में एक कॉमन खबर है जो आप लोग समझ भी रहे होंगे कि कंप्यूटर शिक्षक बहाली से संबंधित जो खबर जो कल कैबिनेट से अप्रूव हुआ 7360 सीट उसी से जुड़ी हुई खबर आज के ऑलमोस्ट सभी अखबारों में आपको मिल जाएगी। आपके स्क्रीन पर अभी वही खबर दिख रही है। इसको अगर डिटेल में अगर आप पढ़ें तो इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि सरकार का कहना है कि हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक होगा। और अगर सैलरी की बात करें तो इसमें ये भी लिखा हुआ है, बीच वाले कॉलम में देखिए, इस प्रस्ताव का उद्देश्य बच्चों को रोज़गार उन्मुखी शिक्षा मिल सके और जो बाकी के टीचर हैं उनके जैसी ही सैलरी कंप्यूटर टीचर्स की होगी। ये बात भी इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसको मैं मूव कर देता हूँ, इस पर आप पॉज करके जगह जगह पर पढ़ सकते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों की सैलरी भी बाकी टीचर्स के जैसी ही होती थी, लेकिन उसके लिए क्या किया गया आप लोग बेहतर समझते हैं, उनकी सैलरी को कितना कम कर दिया गया, उनकी जॉब को भी पार्ट टाइम कर दिया गया। कंप्यूटर के मामले में वैसा नहीं किया जा सकता है, कंप्यूटर मामले में सैलरी वही होगी जो बाकी प्लस टू लेवल के टीचर्स को मिल रही है। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और हर एक स्कूल में एक शिक्षक देने की बात भी सरकार कर रही है ताकि रोजगार उन्मुखी शिक्षा जो है वो प्रदान किया जा सके। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं लेकिन वो साथ उनको साथ फेस से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं किया जा सकता है। आप लोग इस बार में भी अवेयर होंगे कि आज के दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का पटना में। तो अगर आप पटना में हैं या पटना आकर के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए। अभी थोड़ा काम हुआ है कल के कैबिनेट बैठक में कि ये कंप्यूटर वाली सीट अप्रूव हो गई है और शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि फरवरी में नियमावली भी आ जाएगी। तो सरकार कुछ ना कुछ स्टेप फॉरवर्ड कर रही है लेकिन फिर भी अगर प्रोटेस्ट होता रहेगा तो सरकार पर प्रेशर बनता रहेगा, सरकार को याद दिलाने का काम करेगा प्रोटेस्ट कि उनको कुछ करना भी है। अदरवाइज़ जो कछुए के स्पीड से काम हो रहा है उसके बारे में तो आप बेहतर अवेयर हैं, अगर वैसे ही चलता रहा तो पता नहीं ये टाइमलाइन कहाँ चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी जब कभी भी प्रोटेस्ट हो या ऑनलाइन कोई कैंपेन हो तो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। आज के अखबारों में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आगे साधन फेर से संबंधित कोई भी खबर आती है तो मैं आप तक जल्दी जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।